मोतिहारी में सरकारी कार्यालय अब शराब कारोबार का अड्डा बन गया है। संग्रहालय परिसर के सिंचाई विभाग के कार्यालय से उत्पादन विभाग ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। तिरहुत पर तटबंधन के कार्यपालक अभियंता कार्यालय में छापेमारी कर उत्पादन विभाग ने 45 कार्टन विदेशी शराब के बरामद किए। कार्यालय के भवनों के बीचों बीच इस कार्यालय से शराब के कारोबार का खुलासा हुआ है, जहां रात के अंधेरे में कारोबारी शराब को लाते हैं और फिर होम डिलीवरी किया करते हैं। शराब को उत्पादन विभाग की टीम ने आज दिन दहाड़े पकड़ा है। वैसे छापेमारी के समय कार्यालय में ताले लटक रहे थे। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि कारोबार में विभागीय कर्मियों की शामिलता की जाँच की जाएगी।